तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आज का दिन आपका शुभ मंगल जाए, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी। फ्रेंड्स, तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं जा रही थी योगा क्लास और आज मेरा बर्थडे था तो मैंने कहा चलो पहले योगा क्लास ही जाते हैं, क्योंकि 21 जून को योगा डे भी था तो इसलिए मैं निकल चुकी थी। और व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू था, और मेरी योगा मैट भी आ गई थी, वही लेके मैं निकल गई थी योगा करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग तो मैं मंदिर के पास पहुँच ही गई थी जहाँ हमारी योगा क्लासेस थी। तो ये व्यू देखकर तो इतना मन खुश होता है, चिड़िया की आवाज़, ये हरियाली देखकर मन बहुत फ्रेश हो जाता है। तो आप भी सुबह सुबह उठिए फ्रेंड्स और योगा कीजिए। सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसने भी योगा चालू नहीं किया है वो योगा चालू कर दीजिए। तो योगा क्लास से आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ही लिए थे क्योंकि वो दिन मेरे बेटी का भी उपवास था और था कि वट सावित्री पूर्णिमा थी उस दिन, तो उसका भी उपवास था तो उसने भी फ्रूट्स ही खाए और मैंने भी फ्रूट्स ही खाए नाश्ते में, तो हल्का फुल्का ही नाश्ता किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने सुबह मॉर्निंग में नाश्ता नहीं बनाया था, यही फ्रूट्स लिए थे हमने। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी जल्दी तैयार हो गई थी नहा धो के, क्योंकि उसको जाना था पूजा करने। और मेरी बेटी आई थी क्योंकि पुणे से आई थी, उसकी जिठानी का 7वां महीना भी था और मेरा बर्थडे भी था तो घर पे आई थी वो। तो ये देख लीजिए, उसने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए और ये निकल गई थी वो पूजा करने के लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने भी नहा धो लिया था और मैंने भी, आज मेरा बर्थडे था तो भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही पहले ज़रूरी रहता है। तो यहाँ भगवान जी से सबके लिए आशीर्वाद लिया, अपने लिए आशीर्वाद लिया और भगवान जी से यही प्रार्थना की कि हमेशा सब लोग को खुश रखे, उसके बाद हमको खुश रखे भगवान, बस ऐसा ही आशीर्वाद आप बनाए रखना। और हम लोग तो मेहनत करते हैं लेकिन भगवान का जो आशीर्वाद है हम पर बना रहता है, तो इसी वजह से हमें पूजा करनी चाहिए, हमें मन में शांति मिलती है पूजा पाठ करने से। तो फ्रेंड्स, रात को बर्थडे का सेलिब्रेशन था तो हम लोग निकल गए थे इधर सदर। तो सदर में मेरी बेटी की सारी फैमिली आने वाली थी, तो वो लगभग सांझा चूल्हा करके रेस्टोरेंट था वहाँ पहुँचने वाले थे और यहाँ लगभग पहुँच ही गए थे सदर। और सदर में यहाँ पे मेरी बेटी ने लिया था केक और उसके बाद हम लोग भी पहुँच गए थे। ये सांझा चूल्हा करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पूरी फैमिली आ गई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, नागपुर में वो दिन बहुत बारिश आई। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए अंदर से सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट का व्यू, काफ़ी सुंदर था अंदर का व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग को टेबल मिल गया था और हम लोग बैठ गए थे सब लोग। और युक्ता और मयूर ने रेस्टोरेंट में टेबल बुक पहले ही मॉर्निंग में किया था तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और यहाँ पे हो रहा था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, तो आप भी देख लीजिए फ्रेंड्स। बाय, तुम्ही ध्यान रखना बेटा, खाना वाला खा लेना।
बेटा पुणे में था तो बेटा आया नहीं था, तो उसने ही वहाँ से वीडियो कॉल किया था बर्थडे के समय, तो वही हम लोग सब बात कर रहे थे भूषण से। और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो गया था तो उसको बाय बोल रहे थे और दिखा रहे थे कि कौन कौन आया है। तो मयूर जो था, जब मैं कटिंग कर रही थी तो मयूर पकड़ के था, मोबाइल दिखा रहा था, तो उसने सबसे मुलाकात की, सबसे मिला वीडियो कॉलिंग पर, और फिर उसके बाद हमने उसको बाय बोला। तो इस तरह बेटे का आना नहीं हो सका, तो मैंने अपनी फैमिली के साथ ही युक्ता, मयूर और ये हमारी नव्या भी आई थी, तो सबके साथ मिलकर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बताना फ्रेंड्स, आप ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन, और मुझे ढेर सारी विशेस भेजना तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग अपनी विशेस भेजेंगे तो, और फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। और मेरे वाले जो चैनल पे आप नए होंगे तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद MD को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और बस उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली पूरे फैमिली के साथ में, और एक केक खिलाया मयूर को, युक्ता को, और समदन समदी भी आए थे, उनको भी केक खिलाया। उसके बाद यहाँ पे हमारा खाना लग गया था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो क्योंकि युक्ता का उपास था वो दिन और समदन जी का भी उपास था, तो हमने नॉनवेज नहीं वेज ही खाया, तो ये वेज खाना बुलाया था। तो ये रही नैना, सन्नी भी आया था, समदन समदी, और ये रहा मयूर, और उधर हमारे समदी बैठे थे। इस तरह पूरी फैमिली ने सेलिब्रेट किया। तो बस बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद हम लोग खाना वाना खा के निकल गए थे घर के लिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।